देखिए भाभी, पूरे 15 मिनट हो गए, विद्या भाई एक ही जगह पे बैठे हैं। मोटी बहन, शादी को 2 दिन बाकी है, इसलिए कल से देखना दूध वाले को खुद जगाएंगे और कहेंगे अब तक दूध नहीं आया, शादी का घर है। ये लीजिए गर्मा गर्म जलेबी। कुमुद को भी बुला लो ना। हाँ, कुमुद दीदी अब तक फोन पर बिजी है। अरे वो कुसुम बता रही थी, जीजा जी ने 2 दिन से फोन नहीं किया है। अब कम से कम 2 घंटे तो जाएंगे उनको दीदी को मनाने के लिए। इसलिए उदास है कुमुद कल से। अभी मैं सोचूं, ना मेहंदी की खुशी है चेहरे पे, ना हल्दी का निखार। पर अब जीजा जी का फोन आ गया है ना, देखना दीदी का चेहरा कैसे चमक उठेगा। अरे देखा नहीं हम सबने उनका फोन उठाने के लिए कैसे भाग कर गई। सरस बड़ा ही किस्मत वाला है, मुझे ही देख लो, ब्याह के पहले 10 से 12 चिट्ठियां लिखी थी, एक भी जवाब नहीं दिया। हाँ तो आपने भी सरस की तरह सबके सामने हाथ नहीं मांगा था। क्या बात है बड़ी मामी। आप लोग चाहे मेरा कितना ही मजाक उड़ा लो, सच तो ये है कि मेरे कुमुद का ब्याह मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। और सो मेरी कुमुद और सरस का ब्याह हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे अंबे माँ दोनों हाथों से मुझ पर आशीर्वाद बरसा रही है। जानते हो सरस, कुमुद मेरी बात सुनो। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम जानते हो इस लहंगे की चमक कैसी है? तुमने मेरे जन्मदिन पर जैसे दिए जलाए थे ना, बिल्कुल वैसी। उस रात तो हमें अलग होना पड़ा था, पर शादी की रात ये चमक लेकर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। सरस, मेरी मेहंदी, मेरी गजरे सिर्फ तुम्हारे लिए महकेंगे और उस पर वो सतरंगी उड़ जो तुम मुझे उड़ाओगे। वो उड़ती अब कोरे ही रहेगी, उसे रंगने के लिए अब कोई रंग नहीं बचा मेरे पास। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? कम से कम आज के दिन तो ऐसा मजाक मत करो। सुना तुमने मेरे दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, और ये तब तक ऐसे ही धड़कता रहेगा जब तक तुम नहीं आओगे। मैं नहीं आऊंगा, मैं तुमसे शादी करने नहीं आ पाऊंगा। समझ गई मैं, तुम्हें कुछ जरूरी काम आ गया है ना, इसलिए तुम कुछ दिन बाद बारात लेकर आओगे, है ना? पर जब तक तुम नहीं आओगे ना, मेरा दिल ऐसे ही धड़कता रहेगा। मेरा इंतजार और मत बढ़ाओ। तुम्हारा इंतजार खत्म कर रहा हूं। देखिए मिस्टर सरस्वती चंद्र व्यास, मत बुलाओ मुझे इस नाम से। मैं सिर्फ सरस्वती चंद्र हूं, व्यास नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं। मिस्टर लक्ष्मी नंदन व्यास से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कुमुद, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुमसे जोड़ा उतार दो। ये क्या घटिया मजाक कर रहे हो तुम? हाँ, जोड़ा उतार दो। मेरे बापू लेकर आए हैं ये जोड़ा, जरा जरा उनसे कहकर दिखाओ ये बात। जोड़ा उतार दो।
कुसुम जी बापू, कुमुद को बुलाओ ना। बापू दीदी तो अभी तक फोन पर बात कर रही है। अभी तक? अरे कहीं वो दोनों मिलके कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे? और देखना जब कुमुद जी नीचे आएंगी ना, हम सबको कोई ऐसी न्यूज देंगी कि हम सब शॉक रह जाएंगे। एक मिनट, लेकिन उससे पहले हम दीदी को चौंका देंगे। नहीं समझे? अरे देखो जब दीदी नीचे आएगी ना, तब हम सब मिलके कोई ऐसा गाना गाएंगे जिसे सुन के दीदी एकदम शॉक हो जाएगी। हाँ। अंकल आप, मैं क्या बोला, जब कुमुद जी नीचे आएंगी तो आप उनसे कहना कि डैड का फोन आया था और किसी जरूरी काम की वजह से शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। नहीं बेटा, कुमुद बेचारे दुखी हो जाएगी। अरे बापू दीदी को बाद में बता देंगे, पर दीदी की अभी शक्ल देखकर बड़ा मजा आएगा। प्लीज बापू, लेकिन प्लीज मामा मामा थोड़ी सी मस्ती चलती है, बहुत मजा आएगा, कुछ नहीं हो बापू बापू प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन देखो इस मजाक को ज्यादा खींचना मत। ठीक है, लेकिन खोटी बात ना बोलू, आजकल की लड़कियां गाना वाना सुन के ना ज्यादा खुश होती है ना ही रोती है। विद्या भाई एक गाना है जो कुमुद को बहुत पसंद है, चलो मिलके गाते हैं एक बार। मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझा पाऊंगा, मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ बस। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी के साथ रिश्ता जोड़ सकता हूं। मुझे रिश्ते रास नहीं आते हैं। हाँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, डैड से मैं कभी जुड़ नहीं पाया। नए रिश्ते क्या बनाऊंगा जब विरासत में मिले हुए रिश्ते ही नहीं संभाल पाया तो? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो, भगवान के लिए उस गलतफहमी में मत जाना। गलतफहमी तो आज दूर हुई है मेरी, आज पता चला है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ मेरे बाप का नाम था मेरे पास, जिसकी वजह से तुम्हारे बापू ने ये रिश्ता छोड़ा, और आज वो नाम भी मेरे साथ नहीं। पर मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ। विश्वास मुझे अपने आप पर होना चाहिए कुमुद, जो अब नहीं है। मेरे भरोसे पर तो भरोसा करते हो ना? नहीं कुमुद, अपाहिज कहा गया है मुझे, और मैं किसी और के सहारे नहीं चलना चाहता, तुम्हारे भी नहीं। अकेला छोड़ दो कुमुद। ये मत बोलो कि अपने साथ तुम मुझे भी अकेला कर दोगे। मैं मजबूर हूं कुमुद, अब मैं किसी से नहीं जुड़ पाऊंगा। हमारा मिलना सपना समझकर भूल जा, इंतजार भी मत करना, क्योंकि ये शादी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। आखिरी सांस तक साथ निभाने की कसम खाई थी ना तुमने, सबके सामने मेरा हाथ मांगा था ना, अपने तन मन से मुझे मारने का दावा किया था ना तुमने, कैसे भूल जाऊं मैं? तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जवाब देना होगा तुम्हें। एक दूसरे को जीवन साथी माना था ना हमने, तो फिर सारे फैसले तुम अकेले कैसे कर सकते हो? जवाब दो मुझे कि अपने हाथों की मेहंदी में कैसे उतारोगी, अपने चेहरे पर लगे हल्दी का निखार में कैसे उतारूंगी, अपने मन में बसी तुम्हारी तस्वीर में कैसे उतारूंगी,
तुम मेरे माँ बाप की बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकते, सुना तुमने? तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, तुम्हारे सारे इल्जाम मंजूर हैं मुझे को, पर इसके बावजूद मैं अपना फैसला नहीं बदल पाऊंगा।